देवों के देव महादेव अर्थात शिव भगवान की पूजा हिंदू धर्म में एक खास महत्व रखती है। महाशिवरात्रि का त्यौहार भी भगवान शिव को समर्पित है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में श्रेष्ठ माना जाता है। भारत के अलग अलग शहरों में इसे काफी रीति रिवाज से मनाया जाता है। जहां एक ओर देव की नगरी उत्तराखंड में महाशिवरात्रि पर यज्ञ का आयोजन किया जाता है, मेला लगता है, वही महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य पूजा आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है और साथ ही उन्हें दूल्हा बनाया जाता है और भगवान शिव की भस्म आरती भी की जाती है और अगले 9 दिनों तक शिवरात्रि का पावन पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन देवलोक में भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए पृथ्वी लोक में भी इस दिन कई जगहों पर भगवान शिव और माता पार्वती की झांकियां निकाली जाती है। एक ओर जहां भगवान शिव भोलेनाथ है तो वहीं दूसरी तरफ वे सृष्टि के संहारक भी है। उनका वास कैलाश पर्वत में भी है और मरघट यानी शमशान में भी है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बेहद ही भोले हैं, वे अपने भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि उनके भक्त उन्हें मनाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कई जतन करते हैं, कई पूजा अर्चनाएं भी करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा के समय कुछ विशेष चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसे तो हिंदू धर्म की हर पूजा विधि में तुलसी का काफी महत्व है, लेकिन शिव भगवान की पूजा में विशेष रूप से वर्जित है। ये तो सबको पता है कि शिव जी को बेलपत्र कितना प्यारा है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बेलपत्र खंडित अथवा टूटे या फिर फटे ना हो। भगवान शिव की पूजा में कभी भी लाल फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को सफेद फूल ही ज्यादा पसंद है, इसलिए उन पर लाल फूल चढ़ाने से बचें। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अक्षत चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा के समय शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है।